एडा शासन ने अस्थाई कर्मचारियों को चतुर्श्रेणी के पदों पर जो रिक्त पद हैं नियमित करने के लिए वर्ष 2016 में आदेश जारी किया गया था। माननीय आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक होगी और जो विभागों में पद रिक्त हैं उनमें अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, किंतु लोकमान विभाग में हजारों अस्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं, सैकड़ों पद रिक्त भी हैं। अधीक्षण यंत्री कार्यालय में फरवरी में हमारा एक समझौता हुआ था कि एक माह के अंदर अस्थाई कर्मचारियों की वरीयता सूची बना दी जाएगी, लेकिन 7 माह व्यतीत होने के बाद भी यहाँ के कार्यपालन यंत्री महोदय द्वारा अस्थाई कर्मचारियों के पदवार वरीयता सूची नहीं बनाई गई है और बार बार मिलने के बाद भी इनके द्वारा नहीं बनाने जाने कारण एक भी अस्थाई कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो रहा। अभी राज्य शासन ने पुनः 6/9/21 को एक आदेश जारी किया गया है कि अस्थाई कर्मचारियों को कितने पदों पर इनको नियमित किया गया है जानकारी दी जाए, लेकिन यहाँ पर बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं कि यहाँ तो अस्थाई कर्मचारियों की वरीयता सूची ही नहीं बनी है तो नियमितीकरण कैसे होगा। एक भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, इनकी अस्थाई कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका नहीं बनी है, इनके जो वेतन से NPS की राशि काटी गई है पासबुक में नहीं जमा की गई है, इनको पता नहीं है कि इनके वेतन से कितनी राशि काटी गई है। मेरी आदरणीय ग्राहक जी से सादर अनुरोध है मंच के माध्यम से कि जो हमारी 11 सूत्री मांगों का निराकरण अब सिद्ध कर दें। सारी मांगें इन्हीं के अधीनस्थ की हैं, इनके अंतर्गत सब हो सकता है। यदि इनको ऐसा लगता है कि ये मांगे नहीं पूरी कर सकते तो मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दें, जो ये कर सकते हैं वो ये कर दें। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम आंदोलन शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। अगला चरण क्या होगा आपका? अगले चरण में अभी हम तो दो तीन दिन तक यहीं इंतजार करेंगे। अगर हमारी इनसे चर्चा नहीं होती, मांगों को निराकरण नहीं करते, माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, मुख्य अभियंता कार्यालय जाएंगे, अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे।